हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, दो बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ पा रही है यूपी एनएचएम को लेकर। क्योंकि दोस्तों, जो पहली अपडेट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लेकर है, जो लगातार उम्मीदवार अपनी प्रक्रियाओं के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो 17,000 प्लस की वेटिंग लिस्ट को लेकर है। यहाँ पर दो बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ पा रही है, क्योंकि लगातार आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर और राजस्थान के अंदर और कई जगहों पर लगातार एनएचएम कार्यालय के अंदर यहाँ पर विरोध चल रहा है। उसी को लेकर दोस्तों, यहाँ पर यूपी के अंदर, यहाँ पर एनएचएम डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवारों द्वारा यहाँ पर जो है अपनी धरने प्रदर्शन को चलाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो है एनएचएम की अगर बातें ना मानने को लेकर, संविदा को अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन नाट देने को लेकर यहाँ पर जो है, हो सकता है कि आने वाले एक या दिन दो दिन के अंदर यहाँ पर जो है रूट प्रदर्शन भी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिले। क्योंकि लगातार इन चीज़ों का यहाँ पर जो है अपडेट जो है इन धरना पर दोस्तों आ रहा है। पर उसी धरने में दोस्तों, उम्मीदवारों 17,000 प्लस की वेटिंग लिस्ट को लेकर मांग कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रक्रियाओं को लेकर मांग कर रहे हैं। पर इन दोनों से जुड़ी हुई जो उम्मीदवार, जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार चिंतित हैं कि इन दोनों प्रक्रियाओं को लेकर आखिर नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट जो है इतनी विलंब क्यों कर रही है, आखिर क्या कारण है। तो दोस्तों, फाइनली जो अब अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग करने वाली है, क्योंकि अब सीधे इस तरह से उम्मीदवारों द्वारा एनएचएम को चेतावनी दी गई है। वो क्या दी गई है उसके बारे में मैं आपको सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सभी चीज़ों की अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। और दोस्तों, वेटिंग की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के लिए हो सकता है कि एक या दो दिनों के अंदर उम्मीदवारों को एक यहाँ पर जो है बढ़िया यहाँ पर जो है गुड न्यूज़ मिले। क्योंकि हर एक प्रयास जनता दरबार के अंदर, हर एक बड़े अधिकारियों से अपील करने के बाद भी कोई यहाँ पर जो है अपडेट नहीं हो पाया। उम्मीदवारों ने कई अभियान भी चलाए, साथ ही यहाँ पर जो है लगातार मेल भी किया, उन सभी का कोई लाभ ना पाने के कारण दोस्तों अब हो सकता है कि इन चीज़ों की प्रक्रिया में, क्योंकि जो विभिन्न मांगों को लेकर जो लगातार प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और 17,000 प्लस की वेटिंग के लिए उम्मीदवारों की भी जो है नैया पार हो सकती है। तो पूरी अपडेट मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रक्रियाओं को लेकर है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय से जो आपकी प्रक्रिया है वो रुकी हुई है, क्योंकि जो यहाँ पर 5,588 प्लस के जो उम्मीदवार थे उनके लिए दोस्तों ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है इन चीज़ों को लेकर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अब इस धरने प्रदर्शन में जो लगातार चल रही है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रक्रियाओं को लेकर, और साथ ही दोस्तों आप सभी को पता है कि संविदा की यहाँ पर जो है सैलरी बढ़ाने को लेकर जो यहाँ पर, और साथ ही उसमें यहाँ पर PVI को यहाँ पर ऐड करने को लेकर लगातार मांगी की गई थी। और जितने भी उम्मीदवार अपने होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो चाहते थे, एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो आने वाले समय में यहाँ पर रूट आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। इसी के बीच कम्युनिटी हेल्थ प्रक्रिया की भी बात की गई, तो उसमें यहाँ पर उम्मीदवारों को, यानी कि जो अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों की काफ़ी भारी संख्या में उम्मीदवारों संगठन हुए थे, उसमें एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया इन सभी मांगों को कि हम अपने अधिकारियों से बात कर इन चीज़ों की यहाँ पर जो है आप सभी की समस्याओं को दूर करेंगे, पर इन सभी का हल भी होगा। जितने भी उम्मीदवारों द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात रखी गई उस पर भी दोस्तों अभी विचार विमर्श किया गया है, और बोला गया है कि आप सभी को जल्द से जल्द जो है इनकी जो प्रक्रियाओं को लेकर कोई ना कोई अपडेट जो है दी जाएगी, और इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से करियाने की बात भी की गई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप सभी को यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट द्वारा कोई अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर मिले। तो अब दोस्तों दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो 17,000 प्लस के उम्मीदवारों के लिए वेटिंग के लिए है। क्योंकि हर एक मुमकिन प्रयास उम्मीदवारों ने छोड़ दिया था, पर दोस्तों अभी तक यूपी के अंदर जो माहौल बन रहा है लगातार आंदोलन को लेकर, एनएचएम डिपार्टमेंट के घेराव को लेकर, उसमें यह मांगे भी हैं काफ़ी ज़ोर शोर से ये मांगे हैं। क्योंकि साथ ही दोस्तों सैलरी बढ़ाने को लेकर और साथ ही वेटिंग को लेकर, क्योंकि वेटिंग को लेकर भी उम्मीदवारों की जो यूनिटी है अब नज़र आई है,
जिसमें कि हो सकता है दोस्तों, कंफर्मेशन तो नहीं है पर कहा जा रहा है कि एनएसएम डिपार्टमेंट इन भर्तियों पर अब विचार करने पर लिए मजबूर हो गया है और तत्काल प्रभाव से इन भर्तियों की प्रक्रियाओं को लेकर उस आंदोलन से यहाँ पर इन भर्तियों की समस्या को उठाया जा रहा है और उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई नोटिस के माध्यम से उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है पूरे तरह से यहाँ पर आश्वासन दिया जाए कि इस भर्ती की प्रक्रिया की वेटिंग जारी की जाएगी और यह एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस डालकर उम्मीदवारों को यह प्रमाण दिया जाए कि इसकी प्रक्रिया की जाएगी, कितने समय तक की जाएगी यह की जाएगी। इन सभी चीज़ों के लेकर दोस्तों मांग लगातार उठाई जा रही है और कई सारे विभिन्न मांगों को लेकर भी यहाँ पर वो बातें चल रही हैं इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों हो सकता है कि इन सभी मांगों में आप सभी की जो मांगे हैं वो भी यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है, क्योंकि कल हो सकता है कि फिर से उम्मीदवारों द्वारा इन प्रक्रियाओं को उठाया जाए, पर यहाँ पर जो है तो हो सकता है कि एनएसएम डिपार्टमेंट द्वारा जो अभी तक जो एनएसएम डिपार्टमेंट चुप्पी साधी हुई थी, हो सकता है कि कल के यहाँ पर जो है आंदोलन प्रभाव के अंदर हो सकता है कि आप सभी को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और यहाँ पर 17,000 प्लस की वेटिंग के लिए कोई ना कोई इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को कुछ ना कुछ एक अच्छी न्यूज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों आंदोलन में काफ़ी बातें उठाई गई हैं और काफ़ी बातों पर यहाँ पर जो है उम्मीदवारों द्वारा अपनी मांगों को पूरा भी किया गया है, पर दोस्तों यह कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 5582 पोस्ट की जो डीवी है वो जल्द से जल्द शुरुआत की जाए, इसको लेकर अभी तक भी कोई स्पष्ट नहीं आती है। पर कहा गया है कि इनकी प्रक्रियाओं को लेकर एनएसएम डिपार्टमेंट जो है सोच रहा है और जल्द से उम्मीदवारों को इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है अपडेट करेगी। वेटिंग की प्रक्रियाओं के लिए भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों को कुछ ना कुछ जो है डिपार्टमेंट द्वारा अपडेट दी जाएगी। तो दोस्तों यही अपडेट जो थी निकल कर आ रही थी, जो आप सभी को साझा किया गया। अगर दोस्तों इस आंदोलन में उम्मीदवारों की प्रक्रियाओं को लेकर अगर कुछ न कुछ एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा अगर नोटिस आती है तो यहाँ पर वो नोटिस से उम्मीदवारों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यह कन्फ्यूज़न तो दूर हो जाएगी कि जो अब जो प्रक्रिया थी वो नहीं होगी। क्योंकि नोटिस जारी करने के बाद एनएचएम डिपार्टमेंट को अपनी यहाँ पर प्रक्रियाओं को लेकर सोचना पड़ेगा और वेटिंग की प्रक्रिया डीवी की प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द जो है समस्तपुर से यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों समिदा भाई जो है आप सभी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट में अपनी भी बातें रखें और उनकी भी बातें रखें और हो सकता है कि आने वाले समय में आप सभी की यूनिटी जो है, एकता जो है यहाँ पर जो है आप सभी की जो काम रुकी हुई है वो काम को यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक पूरी कर दें। इसलिए दोस्तों जोरों शोरों से उस आंदोलन में अपनी मांगें रखें, अपनी बातें रखें, जो लीडर है उनसे लगातार संपर्क करें और इन चीज़ों के मुद्दों को उठाया जाए। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पास इसके रिगार्डिंग और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो ज़रूर आप सभी तक यहाँ पर जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को वो प्रक्रियाओं की जो है अपडेट जरूर शेयर की जाएगी। तो दोस्तों टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक नोटिस की अपडेट आप सभी को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से तो हर चीज़ नहीं अपडेट किया जाता है, पर दोस्तों टेलीग्राम पर हर चीज़ आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पर जाकर दोस्तों जरूर से ज़रूर जुड़ें और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को जरूर शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।